दीपक जी, पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आपने जो इतना एक्सटेंसिव कैंपेन किया है, जो आप डटे रहे दिशा सालियान केस के लिए, उसका आज नतीजा मिला है। ये केस सीबीआई को गया है। ये जो शिवसेना के प्रवक्ता बैठे हैं, उनको तो खैर सपना आया ही था कि भाई वो तो सुसाइड थी। उन्होंने तो इतने कन्विक्शन के साथ कहा जैसे कि पार्टी में यही रात में थे और इन्होंने देखा उन्हें सुसाइड करते हुए, जो इतने उसे कहते। बट एक दीपक जी, एक बात ये कहना चाहूँगी जो पहले मेरे पॉइंट में क्लियर नहीं हुई थी, बहुत इंटरप्शन था। जो रिया चक्रवर्ती के केस, जो आपने भी मेरे को पहली बारी में बोला कि उनका लॉयर सतीश मांचंदे जो है, इतने हाई प्रोफाइल लॉयर है, उन्होंने कैसे रिया चक्रवर्ती का, कैसे रिया उनकी फीस जो है वो दे पा रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। बहुत सिंपल सा उदाहरण है, कुलभूषण यादव का केस जो था, जो इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ा जा रहा था। मैडम उससे कंपेयर मत करिए प्लीज। नहीं नहीं, चलिए मैडम, वो देश का मामला है मैडम, वो पाकिस्तान से भारत की लड़ाई है। चलिए, उसके लिए कितना, ₹1 हरीश सालवे ने किया था। राम जेठमलानी, वो इतने बड़े लॉयर है, उन्होंने फ्री में कितने केसेस लड़े हैं। आपकी कल चैनल पे राम कृष्ण जन्मभूमि का जो डिबेट चल रहा था, आप उनके लॉयर से पूछिएगा वो कितने पैसे लेते हैं। तो आप ये मत बोलिए कि कितना हाई प्रोफाइल लॉयर है। ह्यूमैनिटी नाम की भी एक, चलिए मैंने आपका तर्क मान लिया कि रिया चक्रवर्ती बहुत महान है, वो एक अंतरराष्ट्रीय विषय का शिकार हुई है, इसलिए सतीश मानसिंह उनका केस फ्री में लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कुछ गरीबों का भी लड़ लें, कुछ गरीबों का भी लड़ लें, कुछ गरीबों को भी न्याय दिला दें।